मैट्रिक्स का है, दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का था, तीसरा एलपीपी का था और चौथा ये एरिया का है। तो इनमें सबसे कम कौन सा समझ आ रहा है वो बताओ। मैट्रिक्स का क्लियर किस किस को है? प्रियंका को क्लियर है ये, योगिता को और निशा को सर है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सर यो भी आ रहे हैं, प्रियंका को आता है, योगिता को यस सर आता है ये, यस सर आ रहे और निशा को यस सर। अच्छा, और एलपीपी का ग्राफ वाला प्रियंका को आता है, योगिता ने भी आओ है, यस सर, और निशा को सर ये कम समझ गया है। अच्छा, इन पे काम करने की जरूरत है। और संचित और यश डागर, संचित ये मैट्रिक्स वाला आवे है? यस सर आ गया है मैट्रिक्स, और ये पहले तीन तो आ गए थे सर, ये पहले दो, ये थोड़ा तीसरे वाले में प्रॉब्लम थी और फोर्थ वाला। अच्छा, एरिया का देख लो तुम, ये सबसे आसान तो ये टॉपिक है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, ये पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा। इक्वेशन ये होती है सर्कल का, ये समझ लो पहले, ये इक्वेशन है तो इसमें पहले क्या करते हैं कौन बताएगा? योगिता बताएगी, पहले क्या निकालते हैं इसका? सर वाई रेडियस सर, पहले रेडियस का पता होना चाहिए, रेडियस कितना है इसका? इस रेडियस का पता लग गया सबने? प्रियंका भी बता, निशा भी बता, सब बताओ ये। यस सर। रेडियस बता सकते हो ना? यस सर। रेडियस के बाद हमने इसका ये जो ए आया है, 1.0 पॉइंट लेना है ये, अगर ये 4 आता तो 4.0 लेते, यहाँ क्या हो जाता? एक कहाँ है बेटा, 0.4 और यहाँ पे 0 -4, ये 4 पॉइंट लेने आ जाएंगे। यस सर। यस सर। ये दोनों स्टेप क्लियर हैं, पहले इक्वेशन को लिखेंगे, लिखने के बाद सबसे पहले रेडियस ढूंढेंगे इसको, रेडियस आने के बाद उसकी रफ स्केचिंग होगी, ये रफ स्केचिंग समझ में आ गई? यस सर। रफ स्केचिंग में इसको सेट भी कर देंगे, ओ ए और बी लिख देंगे, इतना भी काम कर लोगे? यस सर। यस सर। तीसरा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 4 times एरिया ओ ए बी, 4 times 0 to 0 to क्या लिखेंगे? ए, और वाई डी एक्स। ये तीन स्टेप समझ में आगे सब के आगे यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, वाई क्या आएगा प्रियंका ये बताए, क्या आएगा प्रियंका? उसका रूट भी आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
का रूट। एक्स स्क्वायर अब क्या है इसका फार्मूला है वो जो रटवा रखा था ताई, क्या है फार्मूला ये? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस इंटू डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर बाय टू रूट एस ए स्क्वायर बाय साइन इनवर्स एक्स बाय ए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। फिर फोर एक्स की जगह ए रख देना है तुमने जहां जहां है, जहां जहां ये एक्स है तीन जगह एक्स हट, तीनों जगह क्या रखेंगे? ये भी जीरो हो जाएगा। अब उत्तर क्या आ गया? फोर ए स्क्वेयर और साइन इनवर्स वन, फोर ए स्क्वेयर और इनटू में क्या हो जाएगा? पाई बाई टू, और ए स्क्वेयर बाई टू भी था ना, तो ये चार कट जाए, उत्तर क्या आ गया? पाई ए स्क्वेयर। तो ये थर्ड स्टेप जो है ये देख लो, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? फोर टाइम्स एरिया ओ ए बी, फोर टाइम्स जीरो टू ए और वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख दो। फिर तो फार्मूला ही रखना है, उस फार्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख दो, फार्मूले का पहला हिस्सा भी कट जाएगा, दूसरा बचेगा ए स्क्वेयर बाई टू और साइन इनवर्स वन, तो साइन इनवर्स वन को पाई बाई टू लिख लेना। तो ये निशा योगिता भी बताओ, प्रियंका भी, ये समझ में आया कि नहीं आया? सारे बताओ अपनी अपनी। यस सर, और इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे इतना नहीं हो बेटा। अच्छा देखो, अब एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें वाई को क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने ए छाटा था, यहाँ पे क्या छाटना है? तुमने ए और बी दोनों छाटने हैं। एक्स एक्सिस पे तो क्या होंगे? ए कोमा जीरो। यहाँ क्या होगा? यहाँ बदल जाएगा। अब क्या लिखोगे यहाँ? जीरो कोमा बी। और यहाँ? जीरो कोमा माइनस बी। ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। फिर वही ए बी और ओ, रिक्वायर्ड एरिया भी वही है। फोर टाइम्स एरिया ओ ए बी, ये पार्ट तो वही है, ये भी वही है। yes. यहां तक समझ आ गई बात? यस सर। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ बी बाई ए लिख लेना, बाकी वही काम है। मतलब इसमें और इसमें आ गए, सिर्फ यहाँ क्या लिखना है? y इसके बाद यहाँ b बाई ए नहीं है, इसमें इसमें ये मिस, इसमें b बाई ए लिख लेना, कोई नंबर नहीं कटेगा इसमें, ये याद रह जाएगा b बाई ए, क्योंकि b और a तो यहीं छट लेंगे। फोर बी बाई ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या था? x इंटू यही तो था, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं, बाकी जीरो और ए। अब क्या करना है प्रियंका ये बताएगी।
एक्स की जगह ए रखना ए रखना, है। तीन जगह है, यस सर। ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई टू, ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, माइनस जीरो माइनस जीरो दो बार याद रख लियो, इसको भी काटा मार देना, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर बाई टू और साइन इनवर्स वन। ए स्क्वेयर बाई टू और साइन इनवर्स वन को क्या लिख लेंगे, पाई बाई टू, ये चार कट जाएगा, एक ए कट जाएगा, पाई ए भी उत्तर आ जाएगा। तो इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ पहले ए छाटना था, यहाँ दो छाटने ए और बी, फिगर भी उसी टाइप की है, एरिया बस वाई के बाद तुमने यहाँ बी वाई ए और लिख लेना। अब तो कर लोगे दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ये दोनों ही कर लेना, अब मेरे को कहीं जाना है, तो आज इतना ही काफी, ठीक है।